Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start with the next topic, which is antitubercular agents. If we talk about the tuberculosis is basically caused by the mycobacterium. And the question arises here is that what are mycobacteria? Mycobacteria are basically the acid-fast bacilli, which include the organisms responsible for tuberculosis and leprosy. Mycobacteria basically हमारे पास acid fast bacilli हैं जो कि ऐसे organism हैं which are responsible to produce tuberculosis and leprosy. And tuberculosis is basically the disease of the lungs or the respiratory tract infection. Tuberculosis is a disease which is also known as TB. And it has been known from the earliest of known history. ये जो TB है ये बहुत पुरानी बीमारी है, इतनी पुरानी जितनी कि आपके पास हिस्ट्री पुरानी है. अच्छा जी, TB is basically the chronic bacterial infection. ये हमारे पास chronic bacterial infection है जो कि कॉज होता है mycobacterium tuberculosis की वजह से, जो कि हमारे पास acid fast bacillus है with unusual cell wall. इसकी जो cell wall है वो unusual है, इसीलिए ये क्या है आपके पास acid fast aerobic bacillus है. ठीक है. अच्छा, जो इनकी cell wall है वो unusual क्यों है, क्योंकि इसमें high lipid content मौजूद है जो कि high degree of hydrophobicity create करते हैं और resistance to alcohol and acid alkali and some disinfectant after the staining with dye. और इसीलिए जो है हम इसको जो है वो एसिड फास्ट बेसिलस बोलते हैं. अच्छा जी, आफ्टर स्टेनिंग विद डाई द एम ट्यूबरकुलोसिस सेल वॉल कैन नॉट सब्सिक्वेंटली बी डीकलराइज विद एसिड वॉश, दस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एसिड फास्ट बेसिलस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस विद the acid wash after the staining, that's why इस property की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, acid fast bacillus कह रहे हैं. ठीक है. Actually acid fast bacillus is the characteristic which is known by their resistance to decolorization by acids during lab staining procedures. ठीक है. और यहाँ पे यही बात की गई है कि after staining with dye the M tuberculosis cell wall cannot subsequently be decolorized. ये जो है decolorized नहीं हो सकती with acid wash. इसी property की बिना पे हमने इसको acid fast bacillus बोला है. ठीक है. अच्छा, it is estimated that one half of the world's population is infected with M tuberculosis, leading to 6% of the death worldwide. Around जो है पूरी दुनिया में one half of the world's population is infected with M tuberculosis, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या है 6% जो death होती है world wide वो due to the TB होती है. ठीक है. It is the leading worldwide cause of the mortality due to bacterial infection. Worldwide जो mortality होती है वो due to bacterial infection जो होती है उसमें जो leading cause है वो है TB. अच्छा, मोस्ट अलार्मिंग इज द इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. और जो अलार्मिंग कंडीशन है आपके पास वो क्यों है, क्योंकि आपके पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है ये ज़्यादा आपके पास जो है वो डेंजरस है. और द रीअकरेंस हैज़ बीन लिंक्ड टू और इसमें क्या है रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और क्यों रीअकरेंस के जो चांसेस होते हैं टीबी में उनके सर्टेन रीजन है. पहला रीजन है आपके पास अर्बन क्राउडिंग, होमलेसनेस, ड्रग एब्यूज, इमिग्रेशन एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन हेल्थ क्लिनिक और क्राउडेड प्रिजंस एंड द एड्स एपिडेमिक. ये सब जो रीजंस हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द रीअकरेंस ऑफ द टीबी. ठीक है. Before 1984, only 10% of organisms isolated from the patient with TB were resistant to any drug.
1984 से पहले सिर्फ 10% आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि आपके पास रेजिस्टेंस शो कर रहे थे टू एनी ड्रग, एंड इन 1984 52% ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट वन ड्रग एज आई टोल्ड यू. ठीक है, अब 1984 से के बिफोर क्या था, 10% ऑर्गेनिज्म शो कर रहे थे, लेकिन 1984 में क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस थी वो बढ़ गई. नाउ 52% जो ऑर्गेनिज्म थे वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे टू एटलीस्ट वन ड्रग, और जो 32% रेजिस्टेंट थे वो टू मोर देन वन ड्रग थे. ठीक है, MDR-TB इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो अराउंड 50%. जो डेथ्स होती हैं टीबी की वजह से, 50% जो डेथ्स होती हैं वो होती हैं MDR-TB की वजह से. ठीक है, अच्छा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है. ट्यूबरक्लोसिस इज बेसिकली ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय रेस्पिरेटरी रूट. रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है बॉडी में, और द ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और द ऑर्गेनिज्म अपेयर इन वाटर ड्रोपलेट्स एक्सपेल्ड ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग. जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली आपके पास जब जो इन्फेक्टेड पेशेंट है ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग, क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा. ठीक है, और ये जनरली जो वाटर ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड होते हैं ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग, ये उनमें मौजूद होता है. ठीक है, अच्छा द इन्फेक्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज. जो आपके पास सीवियरिटी है डिजीज की वो डिपेंड कर रही है एक्सटेंट ऑफ डिजीज और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द स्प्यूटम, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ कफिंग पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव यूजुअली विद इन 2 वीक्स ऑफ बिगिनिंग द थेरेपी द इन्फेक्टेड पर्सन विल नो लॉन्गर बी इन्फेक्शियस. और ये कंप्लीटली आपके पास क्योरेबल है, और विद इन 2 वीक आप ये फील करेंगे कि पेशेंट जो है वो टूवर्ड रिकवरी जो है वो मूव हो रहा है. अच्छा, टीबी इज अ डिजीज दैट यूजुअली अफेक्ट्स द लंग. जो बेसिकली इसमें जो ऑर्गेन इफेक्ट होता है वो होता है लंग्स. अराउंड 80 से 85% जो केसेस हैं टीबी के वो जनरली उनमें लंग्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां से ये बोन्स और ब्रेन आई स्किन में भी मूव करता है, और इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं. जनरली जो 80 to 85% केसेस हैं वो पल्मोनरी टीबी के हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 15% है वो दैट इज बेसिकली द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. एंड आई टोल्ड यू कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या होगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो स्प्रेड हो रहा है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां से ये इफेक्ट कर रहा है कि इसको बोन्स को, ब्रेन्स को, आई को, आईज को, स्किन को, और इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. अच्छा, इन पल्मोनरी टीबी द बेसिलाई रीच द एल्वियोलाई. जो बेसिलाई है पल्मोनरी टीबी में क्या होता है कि ये जो बेसिलाई हैं ये पहुंचते हैं एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, और इंजेस्टेड देन दे आर इंजेस्टेड बाय पल्मोनरी मैक्रोफेजेस जो कि आपका डिफेंस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा. अच्छा, दीज सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग दी सराउंडिंग फिब्रोब्लास्ट. ये क्या करेंगे, ये जो सराउंडिंग फिब्रोब्लास्ट होंगे दे आर बेसिकली दी कनेक्टिव टिश्यूज, और जो कि आपके हीलिंग प्रोसेस में जो है वो मदद कर रहे होते हैं फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं. ये क्या करेंगे, ये इनक्लोज करने की कोशिश करेंगे इन्फेक्शन साइट को, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलोमास, और आपके पास रिजल्ट में क्या बनेंगे, ग्रेन्यूलोमास बनेंगे. ठीक है, ग्रेन्यूलोमास जब बन जाएंगे तो इन्फेक्शन दस कंटेन लोकली मे लाई डोरमेंट इनकैप्सुलेटेड इन आ फिब्रोटिक लेजन फॉर ईयर्स. तो क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है ये लोकली इनकैप्सुलेटेड होगा फिब्रोटिक लेजन में, फॉर ईयर्स प्रेजेंट रहता है ये. ठीक है, और अगेन रिपेयर होता है लेटर. ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इज कॉमन इन एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट,
जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो कॉमन होता है किसमें? एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट्स में. देन वी हैव द जनरल अप्रोचेस. ठीक है, सॉरी. देन वी हैव द जनरल अप्रोचेस टू ड्रग थेरेपी. अच्छा, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम जो ड्रग थेरेपीज हैं विच आर यूज्ड एज एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स उनको देखेंगे इंडिविजुअली. अच्छा, नो न्यू ड्रग हैज बीन डेवलप्ड इन लास्ट 40 इयर्स में कोई भी जो न्यू टीबी ड्रग है वो डेवलप नहीं हुई है. एमडीआर टीबी इज द मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन. ठीक है, द ओनली चेंज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी हैज बीन द स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट दैट इज डॉट विद एन एम्फसिस ऑन पेशेंट्स कंप्लायंस. जो सिर्फ चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, वो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी. व्हाट इज डॉट? डॉट इज बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट. डॉट इज यूज टू इंश्योर द पर्सन रिसीव्स एंड टेक्स द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट. एंड जनरली हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं आपके पास, वो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि वो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा. और डॉट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज दैट इज टीबी. और जो डॉट है वो बेसिकली पेशेंट कंप्लाइंस के प्रिंसिपल पे जो है ये बेस करता है. अच्छा, थेरेपी जो फेज है आपके पास टीबी का, वो डिवाइड है आपके पास 2 फेजेस में. एक है आपके पास इनिशियल और इंटेंसिव फेज जो कि अराउंड 2 मंथ्स के लिए है, और एक है आपके पास कंटिन्यूअस फेज जो कि आपके पास है अराउंड 4 to 7 मंथ्स के लिए. अच्छा, ये जो है एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू थेरेपी, आपके पास जो ट्रीटमेंट है वो डिवाइड है 2 क्लासेस ऑफ थेरेपी में. ठीक है, आपके पास थेरेपी फेजेस जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड है. एक है आपके पास इनिशियल फेज जो कि है फॉर अराउंड 2 मंथ्स, और उसके बाद है कंटिन्यूअस फेज दैट इज फॉर अराउंड 4 to 7 मंथ. डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू थेरेपी, आपके पास जो ट्रीटमेंट है उसको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में. एक आपके पास है फर्स्ट लाइन थेरेपी और सेकेंड आपके पास है सेकेंड लाइन थेरेपी. फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है उसमें जो आपके पास पहली ड्रग है वो है आइसोनाइजेट. आइसोनाइजेट इज ऑल्सो नोन एज INH. वाई इट्स INH? इट्स आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, दैट्स वाई दिस इज INH. एंड इट इज सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल एजेंट विद बैक्टीरियाइडल इफेक्ट अगेंस्ट एम ट्यूबरक्लोसिस. बैक्टीरियाइडल का मतलब है कि द ड्रग विच किल्स विच किल द बैक्टीरिया, विच किल्स द बैक्टीरिया. ठीक है, और ये आपके पास सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है. इसको डिस्कवर किया गया था 1950 में, और ये प्राइमरी ड्रग ट्रीटमेंट है था आपके पास आइसोनाइजेट. ये बेसिकली इंटरफेयर करता है सेल वॉल डिवेलपमेंट जो है बैक्टीरिया की, उसको इफेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है. और क्योंकि जब आइसोनाइजेट दी जाती है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होता है, वो बेसिकली क्या करता है, लूज कर देता है अपनी एसिड फास्टनेस को बाय द ट्रीटमेंट विद आइसोनाइजेट. अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनाइजेट, इट इज बेसिकली द प्रो ड्रग एंड एक्टिवेटेड थ्रू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये आपके पास प्रो ड्रग है. प्रो ड्रग का मतलब क्या है कि ये जिस फॉर्म में दी जाती है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और बॉडी में जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी टू प्रोड्यूस दी बायोलॉजिकल इफेक्ट और दी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. और ये एक्टिवेट कब होगी? ये जो आइसोनाइजिड है दैट इज बेसिकली एक्टिवेटेड थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज कैटलाइज बाय इंडोजिनस एंजाइम ऑफ द बैक्टीरियम दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, एम ट्यूबरक्लोसिस. और वो एंजाइम क्या है? द कैट जी एंजाइम, जो कि आपके पास जिसमें क्या है, कैटलेज पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी है. ठीक है, ये क्या करेगा, कैटलेज पर ऑक्सीडेज इसमें जो एक्टिविटी है वो कन्वर्ट करेगा इस प्रो ड्रग को इनटू द रिएक्टिव स्पीशी. अब जो रिएक्टिव स्पीशी होगी
वो बेसिकली कैपेबल होगी फॉर द एसाइलेशन ऑफ द इंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. अब वो इंजाइम कौन सा है? वो इंजाइम बेसिकली INHA इंजाइम है, जिसकी क्या करेगा, ये एसाइलेशन करेगा, ठीक है, जो रिएक्टिव स्पीशी है. आइसोनाइजेट रिएक्ट विद कैटालेज पर ऑक्सीडेज टू फॉर्म आइसो निकोटिन एल्डिहाइड, आइसो निकोटिनिक एसिड एंड आइसो निकोटिनिक अमाइड. ये क्या करेगा, जब ये रिएक्ट करेगा कैटालेज पर ऑक्सीडेज के साथ, तो आपके पास तीन तरह की प्रोडक्ट बनेंगी, आइसो निकोटिन एल्डिहाइड, आइसो निकोटिनिक एसिड एंड आइसो निकोटिन अमाइड. आफ्टर द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जो इंटरमीडिएट है वो है आइसो निकोटेनिक पर ऑक्सीडेज पर ऑक्साइड सॉरी ये क्या है, आइसो निकोटेनिक पर ऑक्साइड. कैटालेज पर ऑक्सीडेज जो है वो एक्टिवेट करेगा INH को, ठीक है. अब जो कैटालेज पर ऑक्सीडेज एक्टिवेटेड INH है वो रिएक्ट करेगा एंजाइम दैट इज INHA, विच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. माइकोलिक एसिड इज वेरी important component of cell wall that provide the permeability barrier to the cell wall. ठीक है, माइकोलिक एसिड जो है वो बेसिकली फैटी एसिड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल का, जो कि बेसिकली इसको प्रोवाइड करता है परमिएबिलिटी बैरियर टू द सेल वॉल. ठीक है, अच्छा ये हो सकता है लास्ट की लाइन आपको क्लियर नजर ना आ रही हो, जब मैं आपको पीपीटी दूंगी तो ये आपको वहां पे क्लियर होगा. ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव. अच्छा, जब इंजाइम के साथ इसने रिएक्ट कर लिया, जो कि इंजाइम है द इंजाइम INHA, और जो इंजाइम ये प्रोड्यूस होता है बेसिकली NADH डिपेंडेंट इनोइल रिडक्टेज. NADH इज बेसिकली लाइक NADH इज निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, दैट इज निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, और जो NADH डिपेंडेंट इनोइल रिडक्टेज है ये इन्वॉल्व होता है इन डबल बॉन्ड रिडक्शन ड्यूरिंग फैटी एसिड इलोंगेशन दैट इज माइकोलिक एसिड इलोंगेशन. INH इज एक्टिवेटेड टू एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी दैट एसाइलेट्स द फोर्थ पोजिशन ऑफ NADH. जो INH है वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है, दैट बेसिकली एसाइलेट द फोर्थ पोजिशन ऑफ NADH. जब ड्रग एक्ट करेगी तो जो एसाइलेटेड NADH है दैट इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दैट आर इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. क्या होगा कि जो आइसोनाइजिड है वो इंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, और जब इंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि जो एसाइलेटेड NADH है नाउ इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. यहाँ पे लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि जो कैटालेज पर एक्टिवेटेड INH है वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा इंजाइम के साथ जो कि INHA है. ठीक है, और INHA है वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, जब आपके पास जो ड्रग है वो बाइंड हो जाएगी इंजाइम के साथ, जो कि इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं है, इंडोजीनस सबस्ट्रेट नहीं है, तो आपके पास जो इलोंगेशन है फैटी एसिड की वो नहीं होगी, और जब वो नहीं होगी तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो जाएगी, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी. बेसिकली आइसोनाइजेट जो हमने बोला कि इंटरफेयर करता है सेल वॉल सिंथेसिस को, वो बेसिकली माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा होता है. ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म टू आइसोनाइजेट हैज डिक्रीज कैटालेज एक्टिविटी. जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है विद द आइसोनाइजेट, वो क्या बेसिकली उनमें है क्या कि उनमें डिक्रीज कैटालेज एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ कैटालेज एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द डिलीशन ऑफ कैट जी जीन. ठीक है, जो कि कैट जी इंजाइम के रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद रीइंट्रोडक्शन अगर आप करते हैं कैट जी जीन्स का इन टू रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, तो आपके पास जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाएगी. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द SAR ऑफ आइसोनाइजेट,
आइसोनाइजेड हाइड्रोजोन्स वर फाउंड टू एक्टिव एज एंटी टीबी एजेंट्स. अर्लियर क्या हुआ था, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड बनने से पहले जो है वो आइसोनाइजेड हाइड्रोजोन्स थे आपके पास और ये भी एक्टिव थे एज एंटी टीबी, बट दे वर अनस्टेबल इन जी आई टी ट्रैक और जिसकी वजह से आपके पास जो है वो रिलीज जो ये जो प्रोडक्ट थी कन्वर्ट हो रही थी आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड में. ठीक है, सो इट्स एक्टिविटीज ड्यू टू आइसोनाइजिड बट नॉट ड्यू टू द प्रोड्रग. तो इट्स बेटर के जो दी जाए वो आपके पास जो है वो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड दिए जाए आपके पास आइसोनाइजिड हाइड्रोजोन्स, क्योंकि अनस्टेबल है जी आई टी में और इसके अलावा इनकी जो टॉक्सिटी है वो बहुत सिवियर है एज कंपेयर टू दी आइसोनाइजिड. अच्छा, सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेंगे एन टू पोजिशन पे विद अल्काइल ग्रुप तो आपके पास रिजल्ट में जो बनेंगे वो एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, बट अगर आप एन वन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं विद अल्काइल ग्रुप तो आपके पास जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. दैट्स ऑल अबाउट दी एस ए आर ऑफ आइसोनाइजिड. इफ यू लुक एट दीज स्ट्रक्चर, ये आपके पास आइसोनाइजिड का स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रुप है दैट इज बेसिकली दी हाइड्रोजाइड. ठीक है, एंड दिस इज कार्बोनाइन एंड दिस इज बेसिकली दी हाइड्रोजाइड. ठीक है, ये आपके पास पाइरिडीन रिंग है. जब कैटलेज पर ऑक्सीडेज जो है एक्टिविटी होगी ड्यू टू दी कैटजी एंजाइम तो आपके पास तीन तरह की प्रोडक्ट बनेंगी. आइसोनिकोटिन एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है पाइरिडीन रिंग पे, और आइसोनिकोटिनिक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो है आपके पास आइसोनिकोटिन अमाइड, क्योंकि यहाँ पे जो है ये अमाइड ग्रुप है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, ये आपके पास एल्डिहाइड था. तो आफ्टर द इफेक्ट ऑफ कैटजी एंजाइम जो आपके पास ड्रग है वो इन तीन जो है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ड्रग. ठीक है, अच्छा ये आपके पास आइसोनाइजिड हाइड्रोजोन है. ठीक है, और ये आपके पास जो है ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का जनरल जो स्ट्रक्चर है ना वो ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव सेकेंड ड्रग विच इज एक्टिंग एज एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट. दे आर बेसिकली द रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स. अच्छा, रिफामाइसिन आर द मेंबर ऑफ एंसामाइसिन क्लास और ये बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी. और दीज जो ड्रग्स हैं रिफामाइसिन एंटीबायोटिक, इनमें जो करेक्टरिस्टिक है इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक है, दीज मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली करेक्टराइज बाय द स्ट्रक्चर हैविंग एलिफेटिक चेन जो के फॉर्म करती है ब्रिज बिटवीन द टू एडजेसेंट पोजिशन ऑफ एन एरोमेटिक मॉइटी. और ड्यूरिंग स्क्रीनिंग आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट बनी थी जो कि थी रिफामाइसिन एस वी. और जो रिफामाइसिन एस वी था उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी. उसके बाद क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव जो है वो प्रोड्यूस किए गए वाया कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिफामाइसिन टू 3-4-methyl रिफामाइसिन विच इज डेरिवेटाइज विथ वेरियस हाइड्रोजीन्स. क्या था कि सबसे पहले आपके पास जो स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट बनी वो थी रिफामाइसिन एस वी, देन आपके पास सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव बने जो कि कैसे बने थे, वाया कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिफामाइसिन और नेचुरल रिफामाइसिन टू 3-4-methyl रिफामाइसिन. अच्छा, जिसको डेरिवेटाइज किया गया विथ वेरियस हाइड्रोजीन्स और आपके पास क्या बने, रिफेम्पीन एंड रिफापेंटीन. अच्छा, ये जो दोनों हैं दीज टू आर मोर इफेक्टिव देन प्रीवियस रिफामाइसिन. ये जो दोनों हैं ये प्रीवियस जो रिफामाइसिन एंटीबायोटिक थी उनसे ज़्यादा ये क्या थे, इफेक्टिव हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर ओरली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इफ़ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफामाइसिन एंटीबायोटिक, दे बेसिकली इनहिबिट द बैक्टीरियल डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेन इलोंगेशन
फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अच्छा, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बाय बाइंडिंग टू दी बीटा सब यूनिट ऑफ द एंजाइम। ये क्या करते हैं, बीटा सब यूनिट जो है एंजाइम का उसके साथ बाइंड होंगे और ब्लॉक करेंगे इनिशिएशन ऑफ चेन फॉर्मेशन इन आरएनए सिंथेसिस। जो आरएनए सिंथेसिस में चेन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, नेफ्थलीन रिंग जो प्रेजेंट है रिफामाइसिन में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पाई पाई बॉन्ड टू दी एरोमेटिक रिंग विच इज प्रेजेंट इन डीडीआरपी प्रोटीन, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्रोटीन। और क्या होगा कि जो नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट है ड्रग में वो बॉन्ड बनाएगा पाई पाई बॉन्ड विद दी एरोमेटिक रिंग विच इज प्रेजेंट इन दी एंजाइम। और ये बेसिकली आपके पास मेटेलिक एंजाइम है जिसमें आपके पास दो जिंक के एटम है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास C1 एंड C8 में, ठीक है। जो रिफामाइसिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है C1 एंड C8 पे, वो क्या करेगा, वो बेसिकली चिलेट बना रहा है जिंक के साथ। और जब वो जिंक के साथ चिलेट बना रहा है तो ये क्या करेगा, ये और प्रोवोक करेगा बाइंडिंग टू दी डीडीआरपी। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है C1 एंड C8 पोजीशन पे रिफामाइसिन में, वो चिलेट करेगा जिंक के साथ जो कि प्रेजेंट है डीडीआरपी में और इंक्रीज करेगा बाइंडिंग, ठीक है। और आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है C21 एंड C23 पे, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एंजाइम। और फाइनली क्या होगा कि जो बाइंडिंग है रिफामाइसिन की विद डीडीआरपी, उससे क्या होगा, इनहिबिशन होगी आरएनए सिंथेसिस की। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एसएआर ऑफ रिफामाइसिन एंटीबायोटिक। प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल अल्काइल चेन जो कि एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन टू पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज कनेक्टेड टू नेफ्थलीन रिंग। आपके पास अनयूजुअल अल्काइल चेन है, ये बेसिकली ब्रिज बनाती है विद द नेफ्थलीन रिंग। और फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है दैट आर बेसिकली प्री रिक्विजिट टू प्रोड्यूस द एंटी ट्यूबरक्यूलर इफेक्ट, दे दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट C1, C8, C21 एंड C23 इन द रिफामाइसिन एंटीबायोटिक। और दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। ये जो ग्रुप है ये सेम प्लेन पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। एसाइलेशन ऑफ C21 एंड C23 प्रोड्यूस इनएक्टिव कंपाउंड। अगर आप एसाइलेशन करते हैं C21 की C23 की, तो आपके पास इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और अगर आप रिडक्शन करते हैं डबल बॉन्ड की इन द मैक्रो रिंग, दैट बेसिकली रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एक्टिविटी। अच्छा, अगर मैक्रो रिंग की आप ओपनिंग करते हैं तो आपके पास अगेन इनएक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये जो दो चेंजेस हैं जो कि रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मैक्रोसाइक्लिक रिंग और ओपनिंग ऑफ माइक्रोसाइक्लिक रिंग, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू इफेक्ट द कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिफामाइसिन एंड डिक्रीज द बाइंडिंग टू द डीडीआरपी। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिफामाइसिन। और अगर ये दोनों चेंजेस इफेक्ट होंगे तो आपके पास जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होगी और आपके पास जो बाइंडिंग है वो डिक्रीज होगी विद द एंजाइम। अच्छा, दीज जो सब्स्टिट्यूशन एट C3 एंड C4 रिजल्ट इन द कंपाउंड विद वेरिंग डिग्री ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड इफेक्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बैक्टीरियल सेल वॉल। इंपॉर्टेंट साइट्स आर C1, C3, C8, C21 एंड C23। और थर्ड कार्बन पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दैट रिजल्ट्स इन रिफेम्पीन एंड रिफापेंटाइन। अच्छा, रिफेम्पीन जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई है 1967 में, और इसकी वजह से क्या है कि जो ड्यूरेशन है कम्बिनेशन थेरेपी का वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 18 to 9 months। और ये हमारे पास जो हेपेटोटॉक्सिक है, जीआईटी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है, रैशेस प्रोड्यूस करती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो है वो भी प्रोड्यूस होता है विद द यूज ऑफ रिफेम्पीन। और रिफेम्पेंटाइन जो है वॉज द फर्स्ट एजेंट दैट इज यूज फॉर ट्रीटिंग पल्मोनरी टीबी। और ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1980 में। मेजर एडवांटेज इज दैट इट इज यूज इन कम्बिनेशन थेरेपी और इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस वीकली ड्यूरिंग द इंटेंस फेज और फॉलोड बाय वंस वीकली ड्यूरिंग कंटिन्यूस फेज।
और रिफैम्पीन जो है दैट इज एडमिनिस्टर्ड डेली ड्यूरिंग द इंटेंस फेज फॉलोड बाय ट्वाइस वीकली ड्यूरिंग कंटिन्यूस फेज. रिफैम्पीन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है डेली ड्यूरिंग इंटेंस फेज और उसके बाद ये ट्वाइस वीकली दी जाती है कंटिन्यूस फेज में. और ड्यू टू दी चांसेस ऑफ रिलैप्स एंड द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर एसोसिएटेड विद द पुअर पेशेंट कंप्लाइंस और रिड्यूस डोजिंग इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज दी कंप्लाइंस. इसलिए एक जो हल है वो ये है कि आप अगर रिड्यूस करते हैं डोजिंग तो उससे क्या होगा कि कंप्लाइंस जो है वो इंक्रीज होगी. ये आपके पास स्ट्रक्चर है जनरल रिफामाइसिन एंटीबायोटिक का. और जो ये जो थर्ड पोजीशन पे आर है यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आपके पास रिफेम्पीन और रिफापेंटाइन बन रहा है. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम इन बोथ रिफेम्पीन एंड रिफापेंटाइन. रिफापेंटाइन में आपके पास पेंट पेंटा मीन्स फाइव. तो आपके पास जो रिंग प्रेजेंट है वो पेंटा साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है ठीक है और जिसको हम साइक्लोपेंटेन रिंग भी कहते हैं. और रिफेम्पीन में आपके पास मिथाइल ग्रुप. अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एज इट इज है ये बेसिकली रिफेम्पीन का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. अगर यहाँ पे सिर्फ आर है तो वो रिफामाइसिन का जनरल स्ट्रक्चर है. आर अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो रिफेम्पीन है. और अगर आर आपके पास साइक्लोपेंटेन रिंग है तो आपके पास ये क्या है रिफापेंटाइन. अच्छा यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं देट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दी इंजाइम. ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप है और ये जो पूरा रिंग है ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग है. ये आपके पास नेफ्थलीन रिंग है. इफ टू बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर तो आपके पास जो रिंग बनता है वो बनता है नेफ्थलीन रिंग ठीक है. और दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर. और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ लुक ऑन other anti-tubercular agents. Till then, stay blessed, stay happy. Allah.